अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस व्लॉग में मैं आया हूँ इस्लामाबाद। रास्ते में मेरा बम्पर जो है था वो टूट गया है, वो वहाँ पर अभी जाना है, इसकी बम्पर की फिटिंग वगैरह करानी है। नुकसान हो ही जा रहे हैं गाड़ी का, पता नहीं क्या हो रहा है। सिर्फ एक नुकसान नहीं हुआ, इसके अलावा एक और चीज़ भी बताता हूँ आप लोगों को। एक स्क्रीन जो है उस पर क्रैक आ गया सामने। मेरे ना दिन ही बहुत बुरे चल रहे हैं वैसे, नुकसान पे नुकसान ही जा रहे हैं। पता नहीं किसकी नज़र लग रही है यार, ना नज़र लगाया करो जो भी लगा रहे हैं यार। ये देखो आज ही स्क्रीन पर क्रैक पड़ गया है, यहाँ से शुरू हो रहा है टॉप से। ये अभी पेपर लगा हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से टॉप से शुरू हो रहा है और यहाँ तक सारा क्रैक पड़ गया। मैं बता रहा हूँ मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन यार इतने भी नहीं होने चाहिए ना। वैसे गाड़ी का बम्पर भी टूट गया है, स्क्रीन पर भी क्रैक आ गया, काम ही निकली जा रहे हैं इसका। कोई नहीं, करवाते हैं काम भी करवाते हैं। और फिर गायब हो गया, देखा ये पीस अच्छा, ये नजर नहीं आया बाद में। तो वही ना वो था, वो गिर गया रास्ते में ना, मोटरवे पे कहीं गया। रिपेयर तो करें ना, फिर देखते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक बम्पर वगैरह उतार लिया वगैरह, इसका रेडी करेगा, वो फिटिंग करेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी का बम्पर वगैरह उतार दिया, उसको दे दिया बम्पर वगैरह फिटिंग के लिए, और साथ में बॉडी किट का भी ऑर्डर दे दिया बैक। तो अभी गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ से कौन सी मार्केट है? दवाल मंडी रावलपिंडी में। तो वो ऑयल शॉयल चेंज कराते साथ में, आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी के वाइपर फारिग हो गए थे तो यहाँ वाइपर वगैरह लगवाए हैं, साथ में ये स्कीम में ये नोजल्स वगैरह फिट कराई हैं। ये फिट कर रहा है इस वक्त, तो फिट होती है थोड़ा दिखाता हूँ उसके बाद। एक लगानी है मिड वाली लगानी है, जो बीच में है ना उसके, वो वाली लगानी है बस, वो वाली नहीं, ये नहीं लगानी है। ठीक है, गाड़ी का कूलेंट ले लिया साथ में, रेडिएटर वाटर ले लिया। उसको एक पूरी स्लाइड है वो करवानी है मैंने। बम्पर रेडी हो गया गाड़ी का, इसमें पीस वगैरह लग गए हैं, फिटिंग वगैरह हो रही है इसकी इस टाइम। उसके बाद पेंट कराना है इसको, पूरा बम्पर पेंट होगा। बॉडी किट तैयार हो गई है, बॉडी किट लगाने लगे हैं अब। ये मड स्लैब उतारेगा, ये बॉडी किट है, बम्पर वगैरह रिपेयर हो गया सारा। मड स्लैब उतार के बॉडी किट लगवाएगा, उसके बाद बम्पर पेंट कराना है और बॉडी किट पेंट करानी ताकि दोनों ना मैच कर जाएगा, कलर ज़रा चेंज ना हो। तो गाड़ी आ गई हमारी, अब इसको देखते हैं जाके, मैंने खुद नहीं देखे अभी तक। किस साइड पे वो खड़ी है,
कैसे? इट्स गुड। यार ये तो ज्यादा है, कटिंग हो जाएगी। रोज चल चल ले, गाड़ी आई है और साथ में रास्ते में ही पेंट वाली शॉप से निकली है तो पीछे से बाइक वाले ने लाके मार दिया। काम ही करवाते रहने इसके पास। घर जाके देखता हूँ, कंपाउंड पॉलिश वगैरह मारता हूँ इस पर, देखता हूँ निशान वगैरह खत्म होते हैं कि नहीं। हो जाएंगे, इतने ज़्यादा स्क्रैच वगैरह नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो घर जाते हैं, घर जाके आपको दिखाता हूँ। आओ दिखाऊं गाड़ी। ये किराया क्या होता है? कुछ भी नहीं किराया, पेंट किराया। ये फिट हो गया ना लेवल। हमने कहा वाइट ठीक है, ब्लैक को छोड़ो बीच में, ये भी साफ कर दे। ये आते मोटरसाइकिल वाले ने मार दी थी। अभी मोटरसाइकिल वाला पीछे मोटरसाइकिल वाले ने मारा, उसे रहा नहीं गया देख के ना। कैसी है नहीं, आगे से आगे नीचे लगती है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं आगे से नहीं लगवा। हाँ साइड वाले शायद लगवा लूँ यार, गाड़ी नीचे बहुत लगती है। बैक पे चलो फिर बंदा कर लेता है बैक से। फिर ऊंची कराची में ईद मनाने लोग दूर दूर से पराओ। कराची में ईद मनाने लोग ना भाई ना, कराची में ईद मनाने लोग दूर दूर से पिंडी से इस्लामाबाद से आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी में। पीछे सारे मेरे फैंस हैं और वीडियो भाई 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 भाई